पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अभी मैं ज्वालामुखी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं ज्वालामुखी पे दो क्लास आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें ज्वालामुखी की परिभाषा, उससे निकलने वाले उद्गार, निकलने वाले पदार्थ और उसके बनने वाले भूस्वरूप और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा दिया हूँ, है ना। उसको समझने के लिए एक बार आप ज़रूर पार्ट वन और पार्ट टू को देख लें। यह ज्वालामुखी का तीसरा पार्ट है ना। मैंने सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाया था कि ज्वालामुखी के प्रकार है, कि कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कौन कैसा, सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी थे, मृत ज्वालामुखी कितने हैं, ये सभी को मैंने पढ़ा दिया है ना। मैं ये भी बता दिया हूँ कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर स्थित है। आज हम उसी तीनों ज्वालामुखी के प्रकारों को एक विश्व मैप पे समझेंगे, है ना। मैंने विश्व मैप को पहले ही बना दिया कि ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में, है ना। एक नॉर्मल विश्व मैप है, इसी विश्व मैप पर हम ज्वालामुखी के वितरण को समझेंगे कि कौन कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है ना। तो सबसे पहले हम इन महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कैसा महाद्वीप है, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे छात्र हैं जो विश्व मैप के बारे में अनभिज्ञ हैं और हमेशा बोलते रहते थे कि सर थोड़ा विश्व मैप पे इन सबको पढ़ाइए। तो चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, है ना। पहले इन महाद्वीपों के बारे में समझ लीजिए। देखिए, ये जो महाद्वीप है यह ऑस्ट्रेलिया है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया है, जिसे प्यासी भूमि का देश का महाद्वीप कहा जाता है ना। इसके बाद आपको ये एशिया है, एशिया है ना, जिसे विषमताओं का देश कहा जाता है। और ये हमारा यूरोप है, यूरोप है। और ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, यह हमारा दक्षिण अमेरिका है। यह हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है ना। ये ग्रीनलैंड है, यह ग्रीनलैंड है। और यह आपका आइसलैंड है, आइसलैंड एक द्वीप तो नहीं है लेकिन इनके बारे में भी जानना जरूरी है। और यह है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, है ना। अब देखिए, इन महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपको एशिया है ना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 29.5%, 29.5% क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका है 20.5%, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको उत्तरी अमेरिका है 16.5% पे, चौथे पे आपको दक्षिणी अमेरिका है 11.8% पे, उसके बाद एक नंबर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका है 9.5% पे, उसके बाद यूरोप है 6.5% पे, और आपको ऑस्ट्रेलिया है 5.3% पे, है ना। तो ये हमारे क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारे महाद्वीप हैं, है ना। अब समझते हैं इन महाद्वीपों में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी। ध्यान से समझिएगा और इन मैप को देखिएगा। सबसे पहले मैं प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों को स्थापित कर रहा हूँ कि कौन कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। एक नंबर में है आपका ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल
सलाडो, ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित था? ओजस डेल सलाडो स्थित था अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर, है ना, अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर। तो ध्यान देंगे, ये हमारा अर्जेंटीना है और ये हमारा चिली है, और यहीं पर स्थित है हमारा ओजस डेल सलाडो, है ना, ओजस डेल सलाडो है। तो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ओजस डेल सलाडो, जो स्थित है अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर, है ना। और याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स है, जो लापलाटा नदी के तट पर स्थित है, और चिली की राजधानी सेंटियागो है ना। चिली जो विश्व में सबसे अधिक तांबा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं माउंट कोटोपैक्सी। एकदम सावधानी से समझिएगा, माउंट कोटोपैक्सी है ना। ये जो कोटोपैक्सी स्थित है, ये आपको इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में, यानी ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही स्थित है ना, इक्वाडोर में यह स्थित है। याद रखिएगा, बीच में पेरू है और यहाँ पे कोलंबिया है ना, और इसी के बीच में स्थित है आपको इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी है वह क्वेटो है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। और ये जो कोटोपैक्सी है, यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ना। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मौना लोवा की, और इसी के साथ और एक बात करते हैं किलायू। मौना लोवा और किलायू, ये दोनों उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यहाँ पर स्थित है। मौना लोवा आपको यहाँ पर है और किलायू इसके नीचे आपको यहाँ पर है ना, तीन नंबर और चार नंबर। तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आपको मौना लोवा महाद्वीप में स्थित है ना, हवाई द्वीप में स्थित है, और हवाई द्वीप की जो राजधानी है वह होनोलुलू है। फिर समझिएगा, मौना लोवा और किलायू, ये दोनों दो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको उत्तरी अमेरिका में स्थित हवाई द्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हवाई द्वीप में स्थित है ना। जो मौना लोवा है वह विश्व के सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और मौना लोवा हवाई द्वीप की जो राजधानी है वह आपको होनोलुलू है, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो अंटार्कटिका है, यहाँ का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रांबोली। ये देखिए, ये हमारा इटली है ना, और यहीं पर स्थित है स्ट्रांबोली, छः नंबर में है ना। और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है, स्ट्रांबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये जो स्ट्रांबोली स्थित है वह इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है, इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है। और यहीं पर सात नंबर है एटना, ये भी इटली में स्थित है, यहाँ पे यह स्थित है, या एटना जो स्थित है वह इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आठ नंबर में असामा, या जापान में स्थित, यहाँ पे है ना, जापान में स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी है। जो असामा है वह जापान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। आप लोग लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं है स्पेस लिखने के लिए, इसलिए मैं नंबरिंग किया हूँ, ठीक। और जगह स्पेस में यहाँ लिखने की जगह नहीं है, तो आप ये लिखते जाएंगे। जो असामा है वह जापान में स्थित है और ये आपको यहाँ पर स्थित है। उसके बाद नौ नंबर है रूहा पेहू, ये है आप हमारा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में ही यहाँ पर स्थित है आपका रूहा पेहू, है ना, यह न्यूजीलैंड में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको
दस नंबर में समेरु, ग्यारह नंबर में मेरापी और बारह नंबर में आपको दुकानों। दस ग्यारह बारह समेरु, मेरापू और दुकानों, ये तीनों स्थित है इंडोनेशिया में, है ना। यानी अंडमान निकोबार के जस्ट बगल में स्थित है आपका इंडोनेशिया। यहीं पर आपको दस नंबर, ग्यारह नंबर और बारह नंबर, है ना। यानी समेरु, मेरापी और दुकानों, ये दोनों आपको ज्वालामुखी स्थित है ना। उसके बाद आइसलैंड में स्थित है हेवला, तेरह नंबर हेवला, यहाँ पे जो स्थित है वह हेवला है ना। तेरह नंबर में जो स्थित है वो आपको हेवला स्थित है। यह आइसलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार में, तो अंडमान एवं निकोबार में जो हमारा स्थित है, अंडमान एवं निकोबार में जो स्थित है वह बैरन द्वीप है ना। चौदह नंबर में हम यहाँ लिख देते हैं, चौदह नंबर में बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है ना। तो बैरन द्वीप जो स्थित है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद पंद्रह नंबर में है पारिकटिन, पारिकटिन, जो पारिकटिन स्थित है यह आपको मैक्सिको में स्थित है ना। मैक्सिको में यानी उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप में स्थित मैक्सिको है ना। और यहीं पर स्थित है हमारा पारिकटिन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और मैक्सिको का जो राजधानी है वह मैक्सिको सिटी है, ठीक ना। तो ये हमारा आपको विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी कौन कहां कहां पर ये स्थित है, ये हमने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर, विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। विश्व के प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी में एक नंबर जो है हमारा वह है विसुवियस, विसुवियस कहाँ पर स्थित है, ये भी इटली में स्थित है, यहाँ पर है ना। एक नंबर में विसुवियस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है आपको जो इटली में स्थित है। उसके बाद दो नंबर में है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ पर स्थित है, यह जापान में स्थित है ना। फ्यूजियामा जापान में स्थित है, याद रखिएगा यह जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, जापान का सबसे बड़ा यह पर्वतमाला है ना, फ्यूजियामा। और यहीं पर स्थित है ये आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी। उसका तीसरा नंबर है क्राकाटोआ, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है ना, इंडोनेशिया में स्थित है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो क्राकाटोआ आपको इंडोनेशिया में स्थित है। और चौथा नंबर में है आपको नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप ये कहाँ स्थित है, यह भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है और यह स्थित है आपको अंडमान एवं निकोबार में, है ना। अंडमान एवं निकोबार में यह स्थित है, ठीक। फिर समझिएगा, विसुवियस आपको इटली में स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है और नारकोंडम आपको अंडमान एवं निकोबार में स्थित है जो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी की, है ना। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी,
शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, इसमें एक नंबर जो हम पढ़ते हैं वह एकांक गुहा है। एकांक गुहा सबसे बड़ी विशेषता है या कहाँ पर स्थित है, यह आपको अर्जेंटीना में स्थित है, यानी एंडीज पर्वतमाला श्रेणी में ये स्थित है, यानी आपको यह अर्जेंटीना में स्थित है, है ना, ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। जो एकांक गुहा है वो आपको अर्जेंटीना में स्थित है, और यही जो ज्वालामुखी है वह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, है ना, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद है आपको किली मंजारो, ये आपको तंजानिया में स्थित है, और तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, यहाँ पर है ना, ये आपको किली मंजारो स्थित है। तंजानिया की जो राजधानी है वह डोडोमा है। फिर समझिएगा, एकांक गुहा आपको अर्जेंटीना में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में, है ना, और जो आपको किली मंजारो है वह तंजानिया में यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, है ना। तंजानिया की जो राजधानी है वह डोडोमा है। और तीसरा नंबर है आपको देवबंद, और चौथा नंबर है कोह सुल्तान। ये दोनों जो ज्वालामुखी है वह ईरान में स्थित है, है ना, ये आपको, ये हमारा ईरान है, और यहाँ पर हमारा आपको देवबंद है, और यहीं पर नीचे स्थित है हमारा कोह सुल्तान, है ना। तो ये दोनों जो ज्वालामुखी है वह आपको मृत या शांत ज्वालामुखी है। और पांचवा नंबर है चिम्बाराजो कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में, और इक्वाडोर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, यानी यहाँ पर स्थित है, है ना। तो ये हमारा मृत एवं या शांत ज्वालामुखी है। फिर से समझिएगा, है ना, जो सक्रिय ज्वालामुखी में आपको ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, वो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर स्थित है। उसके बाद आपको कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में स्थित है, है ना। उसके बाद आपको माउनालोवा और किलायू, ये आपको हवाई द्वीप में स्थित है। उसके बाद माउंट इरेबस आपको अंटार्कटिका में स्थित है। उसके बाद स्ट्रांबोली इटली में स्थित है, और एटना ये भी इटली में स्थित है। उसके बाद जापान में असामा आपको जापान में स्थित है। उसके बाद इंडोनेशिया में आपको समेरियो दुकानो और मेसापी यहाँ पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, है ना। उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड में आपको हेवला स्थित है। तो ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों में आपको क्राकाटोआ आपको इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद आपको बैरन नारकिंडम द्वीप आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित है। इस तरह से ये सभी ज्वालामुखियों का विश्व मैप पर वितरण है। इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, मैप के माध्यम से ये देख लीजिएगा, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। मैंने प्रयास किया कि आपको विश्व मैप के आधार पर इन ज्वालामुखियों को मैं बता दूँ कि कौन कौन सा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। सबसे पहले देखिए, किसी भी स्थान को जानने से पहले विश्व मैप का अवलोकन कीजिए। विश्व मैप में सबसे पहले अवलोकन कीजिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और उत्तर अमेरिका हो गया, और ये आपको अंटार्कटिका हो गया। तो पहले अपने माइंड में बैठाइए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, है ना। उसके बाद उनके अधीन जो मुख्य मुख्य देश हैं उन देशों के बारे में जानिए कि अफ्रीका महाद्वीप के अगल बगल कौन कौन से देश हैं, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से देश हैं, इसके अगल बगल कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश है, है ना। तो इस तरह पहले से एक
मैप विश्व मैप का अवलोकन करेंगे तो ये आसानी है, बहुत आसान है समझने में, है ना। तो मैं प्रयास करता, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मैं एक बार कहता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और शेयर करने के लिए। तब तक के लिए रहने देते इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।